ठंड जो है इस वक्त की सबसे अहम खबर है और ठंड का ही हम जिक्र करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड की बात करते हैं। यहाँ ठंड का कहर किस तरह जारी है वो हम बता रहे हैं। कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी, आगे भी ठंड उत्तराखंड में इसी तरह से जारी रहेगी। तो पहाड़ी इलाके जबरदस्त बर्फ की चपेट पर है और स्नोफॉल यहाँ पर लगातार हो रहा है और मौसम विभाग कह चुका है कि आगे भी बर्फबारी जारी रहेगी। मतलब समझिए पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। शीतलहर जो अभी चल रही है तो मैदानी इलाकों में यह सिलसिला भी बरकरार रहने वाला है। तो कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि यह स्नोफॉल आगे भी होगा, मतलब मैदानी इलाकों में भी अभी राहत नहीं मिलने जा रही। तो मौसम विभाग का यह अनुमान भी सच होता दिखाई दे रहा है कि मैदानी इलाकों में ठंड जो है अभी बढ़ेगी, शीतलहर ऐसे ही चलेगी। उत्तराखंड में ठंड का कहर किस कदर जारी है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में निकलते हैं रोड साइड, इस तरह के कई अलाव आप देख सकते हैं जिसे जहां जगह मिलती है वो हाथ तापता हुआ नजर आता है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं मसूरी, वहां से सुनील सोनकर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील, मौसम विभाग ने तो कह दिया है कि स्नोफॉल अभी और होगा आगे, मतलब मैदानी इलाकों में भी शीतलहर चलेगी, सीधा सा मतलब है। लेकिन आप मसूरी में है, अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर क्या स्थिति है ठंड की? देखिए मसूरी में अगर सुबह शाम की काफी ठंड दिन की बात करी जाए तो यहाँ धूप यहाँ पर निकल रही है, जिससे थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर लोगों को जरूर मिल रही है। परंतु जैसे ही 5 बजते हैं तो तापमान बिल्कुल गिर जाता है, जिससे ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में मौसम विभाग ने जिस तरीके से अनुमान जताया कि अगले 2-3 दिनों में यहाँ पर मौसम खराब होगा और तेज बारिश के साथ यहाँ पर बर्फबारी होगी। और जिस तरीके से मसूरी के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ठिठुरन यहाँ पर बढ़ रही है। और रात को जो यहाँ पर पाला पड़ रहा है जिससे जो तापमान है वो काफी गिर गया है। बेशक यहाँ पर प्रशासन और पालिका प्रशासन जो गरीब और मजदूर तबका है उसको ठंड से बचाने के लिए यहाँ पर मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करा रहा है, परंतु वो नाकाफी है क्योंकि यहाँ पर रैन बसेरा नहीं है। जो मजदूर यहाँ पर है उनको काफी दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही है। ये बात बहुत अहम हो जाती है क्योंकि हर बार सवाल यही उठते हैं कि प्रशासन को इंतजाम सही रखने चाहिए, अलाव की व्यवस्था है लेकिन रैन बसेरे भी होने चाहिए। जाहिर सी बात है खुले आसमान के नीचे खासतौर पर गरीब तबके के लोग, संभव नहीं है जान जा सकती। बहुत शुक्रिया सुनील वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तस्वीरें कौशल दिखने में बेशक खूबसूरत लगे, स्नोफॉल की कितनी दिक्कत है उसके साथ? बिल्कुल दिक्कत तो आम आदमी के साथ है क्योंकि उसके पास रैन बसेरे में रहने की सुविधा नहीं है और सरकारों को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।